नमस्कार, मैं हूं नंदनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी अब एक नई बात सामने आई है। दरअसल मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का वीडियोग्राफी सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा है। जानकारों के मुताबिक ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने सुनाया है। सर्वे के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और 2 अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सर्वे के दौरान जनपद के सक्षम अधिकारी, वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जिला अदालत को सर्वे कराने का आदेश दिया है। वहीं बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य पक्षकार मनीष यादव के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। अब 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद भी इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो करने की मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील भी की थी। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है। अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।